वाह, देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आ गया, इसका स्मेल बहुत बढ़िया आ रहा है। बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है, कुकर में ये बनाते हैं, पूरे के साथ बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। है एवरीवन, मैं हूँ मधुरा। आज हम बनाएंगे तर्री वाले आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। इसमें ना कोई हम मसाला ग्राइंड करने वाले हैं, बस बहुत ही इजी मेथड से कुकर में बनाएंगे। तो सबसे पहले कुकर में 2 चम्मच तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तेल ऑलमोस्ट गरम हो चुका है, तो उसमें आधा चम्मच जीरा, जीरा अच्छा फूलना चाहिए। अब उसके बाद बे लीफ 2, दालचीनी का 1 पीस, 3 से 4 ब्लैक पेपरकॉर्न्स और करी लीव्स, कड़ी पत्ता। अब इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ प्याज, अनियन। अब ये हम मिक्स करके मीडियम हीट पे 7 से 8 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का सा सुनहरा होने तक इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7-8 मिनट होने के बाद ये प्याज एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्का सा सुनहरा कलर आना इससे स्टार्ट हो चुका है। अब इस समय हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, मिक्स करेंगे और उसी के साथ इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ टमाटर। अब ये और एक 3 से 4 मिनट हम अच्छे से पका लेंगे, जब तक ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक। तो चलिए, टमाटर भी अच्छे से गल चुका है प्याज के साथ। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच, मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक ये मसाला ऑयल न छोड़ दे। तो चलिए, आप देख सकते हैं ऑयल छूटना स्टार्ट हो चुका है। अब ये मसाला हम साइड कर देते हैं और इस मसाला को हमें चाहिए बाइंडिंग। तो बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच मेरे पास है बेसन। लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर पर है, आई कांट हेल्प। तो ये बेसन हम 2 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पर बेसन भी अच्छे से भून लिया है। अब ये बेसन इस मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा ना, जब ये सब्जी कुक हो जाती है, पक जाती है, तो इसे ग्रेवी अच्छे से आ जाएगी। इसमें बेसन बाइंडिंग का काम करता है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ गोभी और आलू और उसी के साथ ये ताज़ी मटर है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाला के साथ। और अब पानी और उसी के साथ नमक मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त, इसका स्मेल बहुत बढ़िया आ रहा है और आप देख सकते हैं कलर भी बढ़िया आ गया है। अब इसे क्लोज कर कर मीडियम हीट पर बस 1 सीटी निकाल लेनी है। तो चलिए, 1 सीटी होने तक ये सब्ज़ी मैंने कुक करके ली है। अब इसका स्टीम पूरी रिलीज़ हो गई है। अब ये ओपन करेंगे। वाह, देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आ गया और गोभी, आलू, मटर सब कुछ अच्छे से पक चुका है। आलू अच्छे से कुक हो चुका है, गोभी भी अच्छे से कुक हो चुका है, मटर भी अच्छा कुक हो चुका है। इसका कलर बहुत ही बढ़िया है और इसका तर्री आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आ गई है। तो ये ज़बरदस्त, बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है, कुकर में ये बनाते हैं। तो बार बार जाकर देखने की ज़रूरत नहीं। आलू कुक हो गया, गोभी कुक हो गया, एक साथ ही ये कुक हो जाता है। ये जो डिश है पूरी के साथ आप खा सकते हैं या फिर पराठा, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन पूरी के साथ बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।